नमस्कार खमागणी, आप सबका आज के इस वर्चुअल कवि सम्मेलन और विचार मंथन कार्यक्रम में स्वागत। मेरा निवेदन, थोड़ा सा इंतजार करें, सभी जुड़ जाएं। आप आधिकारिक रूप से जितना साझा कर सकें साझा करें, सब जुड़े, थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा सा इंतजार। नमस्कार कमागणी, आप सबका स्वागत, अभिनंदन। शीघ्र हम शुरू करते हैं, थोड़ी सी प्रतीक्षा करें, थोड़ा सा इंतजार करें। शीघ्र हम अंतर्राष्ट्रीय वर्चुअल कवि सम्मेलन और विचार मंथन कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहे हैं। सभी कृपया जुड़े, इसको अधिकाधिक रूप से साझा करें, आपको अच्छा लगे लाइक और कमेंट करें, थोड़ी सी प्रतीक्षा करें। नमस्कार सम्मानित मंच, सुबह के सभासद वृंद, सभी जुड़े हुए हमारे दर्शक, श्रोता, सुधी विद्वान, भाषा, साहित्य, संस्कृति और परंपराओं से अगाध स्नेह रखने वाले सभी मित्रों का स्वागत, अभिनंदन। काव्य कलरव, चारण्स डॉट ओ आर जी, CGIF और सत्याग्रह उद्यान विकास समिति आहुआ की तरफ से आयोजित यह अंतर्राष्ट्रीय वर्चुअल कवि सम्मेलन एवं विचार मंथन कार्यक्रम, इसमें आज आप सुन पाएंगे कुछ उन विद्वानों के विचार जिनको सुनने के लिए समाज लालायित रहता है, और उन रचनाकारों की रचनाएं, उन कवियों के छंद, गीत, कविताएं जो अपने आप में अपनी प्रकृति की अलग तरह की रचनाएं हैं। यह है कवि सम्मेलन एक ऐसी परंपरा को याद करने के लिए, एक ऐसे अनाम उत्सर्ग को याद करने के लिए, ऐसे शहीदों की शहादत के सम्मान में रखा गया है जिन्होंने अपनी परंपरा की, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए तत्कालीन राजा के खिलाफ, राजा की गलत नीतियों के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ आमरण अनशन किया। मरणा धरणा राजस्थानी में कहते हैं। उस आमरण अनशन में एक साथ में हजारों लोगों ने अपने हाथ से अपने शरीर पर कटारियां खा करके, अपने हाथ से अपने शरीर के एक एक अंग को इंच इंच काट करके महादेव के चरणों में चढ़ा दिया, और ऐसी शहादत देने वाले उन महान सपूतों की, उन शहीदों की याद में विगत 450 सवा 400 वर्षों से कविताओं की एक श्रृंखला चली है। हर युग में, हर समय में, वर्तमान समय तक इस शहादत को याद करके, उस सत्याग्रह को याद करके, सत्य का आग्रह लेकर के जिन लोगों ने आमरण अनशन किया, जिन्होंने अपनी आहुतियां दी, अनाम उत्सर्ग हुए, उनकी याद में कविताएं लिखी गई है। डिंगल के छंद, गीत, कवित, अनेक कविताएं डिंगल की, पिंगल की, आधुनिक राजस्थानी की, हिंदी में अलग अलग तरह से रचनाएं लिखी गई हैं। आज हम उन सारी रचनाओं का, ऐसा कवि सम्मेलन ये पहला है जहां पर विषय एक है, वर्णन विविध है, घटना एक है, जुबान अनेक है, जहां पर विषय की विविधता की बजाय वर्णन की विविधता, छंदों की विविधता, भाव की विविधता, शिल्प का सौंदर्य, परंपरा के प्रति प्रेम, गुण की पूजा, क्षत्रिय चारणों के उस प्रगाढ़ संबंध की बात, प्रजा के हित के लिए, प्रजा को किस तरह से, राजा यदि अन्याय करता तो कैसे खड़ा होना चाहिए, उस प्रजा की एकता का संकेत देने वाली रचनाएं आपको मिलेंगी। कविता की ताकत क्या होती है, और कवि की कथनी और करनी की एकता का प्रभाव क्या होता है, सारी चीजें देखने को आपको मिलेगी। क्योंकि एक ही विषय है, उसी पे सारी रचनाएं आनी है, इसलिए मैं उस घटना के
विषय में नहीं बताऊंगा क्योंकि वक्ताओं को वही बात बतानी है। तो मैं आप सबका पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और आज के इस कवि सम्मेलन का आप सुनेंगे कि किस तरह की घटना हुई, किस तरह से प्रजा ने विरोध किया, किस तरह से चारण समाज के उन कवियों ने जो कलम और तलवार दोनों के धनी थे, उन्होंने कैसे राजा के विरुद्ध धरना दिया, और उस धरने में किस तरह से अवरोध आए, उन अवरोध में कौन ऐसे व्यक्ति थे, कौन ऐसे राजा के साथ वाले, राजा के भाई बंधुओं में से कौन ऐसे परंपराओं के रक्षक लोग थे जिन्होंने आगे आकर के उनका साथ दिया, स्वयं ने मरना स्वीकार किया, स्वयं ने अपनी जागीरों को राजा के सामने छोड़ दिया, ऐसे कौन लोग थे जो परंपराओं की रक्षा के लिए इतना बलिदान कर गए, उन लोगों की याद में आज का ये कवि सम्मेलन है। मैं सबसे पहले आग्रह करूंगा रचना पाठ शुरुआत करने के लिए मेरा विनम्र निवेदन आदरणीय जे के चारण साहब से, जो डूंगरदान जी आसिया का लिखा एक गीत अपनी मधुर रागिनी में प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ में आज के कवि सम्मेलन का हम शुभारंभ करना चाहते हैं। आज के कार्यक्रम के माननीय अतिथि श्रीमान ओंकार सिंह सा लखावत, आयदान सिंह जी भाटी, प्रोफेसर आकमदान सा चारण, श्रीमती इंदु जी बारोट जो यूके से हमारे साथ में जुड़ी है, भाषा साहित्य संस्कृति और परंपराओं के प्रबल संवाहक हैं। मैं सभी अतिथियों का स्वागत करता हूं, आपका पुनः स्वागत करता हूं, और आग्रह करता हूं आदरणीय जे के चारण साहब से कि वो अपनी रचना पाठ प्रस्तुत करें। आदरणीय जे के चारण साहब, एक रचना आहुआरे धरनेरी कविवर डूंगरदान जी आसिया ने लिखी, कि नमन करूं सो बारे आहुआ धरकन ने, नमन करूं सो बार यहुआ धरकन ने, सत्यग्राही शहीद हुआ बा जन जन ने, सत्यग्राही शहीद हुआ बा जन जन ने, कि मोटे राजा कोप कियो जो दानपति, मोटे राजा कोप कियो रे जो दानपति, समझायो समझो न रखी उन कान रती, सम्मत सोड़े यने बरस तैयारे में, शासन की ना जबत चहूं चौताले में, के शासन की नर जबत तहूं चौताले में, कि धरनो देन नदियो मरूरी धर्मा थे, तद कहियो गोपाल चारणा हूं साथे, कि तद कहियो रे गोपाल चारणा हूं साथे, कि अहुए धरनो तप्यो खबर हर शासन में, नमन करूं सो बार यहुआ धरकन ने, नमन करूं रे सो बार यहुआ धरकन ने, के छोड़ियर मायर बाप बूढ़िया डोकरिया, ए छोड़ियर मायर बाप बूढ़ा डोकरिया, ए जोधर जोध जवान बिलकता छोकरिया, छोड़ियर ढांडा ढोल चुंगता बाछड़िया, छोड़ियर पास पड़ोस घणार दिन साथ रिया, छोड़ियर पास पड़ोस घना दिन साथ रिया, सैवर छोड़ी पाल नीमड़ा पीपड़िया, बचपन जा पर बैठ बजा कर बांसुरिया, के बचपन जा पर बैठ बजाता बांसुरिया, काठर भाटा जिसा काल जा जूं करिया, मरणो धार विचार आहुवेरी बाट बुआ, के मरणो धार विचार आहुवेरी बाट बुआ, आय हुआ इकटा मंदिर रे प्रांगण में, नमन करूं सो बार यहुआ धरकन ने, नमन करूं रे सो बार यहुआ धरकन ने, के धूपारा धमरोल गिर तरी जोत करी, ए देवी दर्शन दे यही आ मैं हूं सुभरी, ए तुलसी दड़मक मेल गंगा जल घूंट भरी, उदियार चल तज योट सूरज री साख भरी, के उदियार चल तज योट सूरज री साख भरी, गाल कटारिया घाव गणारे
गाला में करा काड जा काड हो मिया जाड़ा में करा काड जा काड हो मिया ज्वाड़ा में किलो हीरा बकराड़ खड़किया खाड़ा में छिड़ छिड़ ने बह गयो रे गोगिया बाड़ा में छिड़ छिड़ ने बह गयो रे गोगिया बाड़ा में गोविंद का दी गड़े प्रीत हद पाकी है काजे सर महादेव जी कण रो साखी है कामे सर महादेव जी कण रो साथी है कि ओ बलिदान दिवस याद करावे जन जन ने नमन करूं सो बार या हुआ धरकण ने कि नमन करूं रे सो बार या हुआ धरकण ने कि पीढ़ी रे पीढ़ी पीर हुआ है इन धर में ये पीढ़ी पीढ़ी पीर हुआ है इन धर में ये जबरा रे जबरा जोद जल मिया इन धर में भोपत बिठल दलो बलू ने खेत जिसा हाथव राघव हरी जिसा नहीं और ईसा हाथव राघव हरी जिसा नहीं और ईसा कि पर दुख काटन हार वीर विक्रम जेड़ा सांप्रत दिखता सिंह बोकारिया नर बेड़ा कि सांप्रत दिखतर सिंह बोकारिया नर बेड़ा कि कीनो सा चोकोर निभायो निज प्रण ने नमन करूं सो बार या हुआ धरकण ने नमन करूं रे सो बार या हुआ धरकण ने कि स्वतंत्रता संग्राम मंडियो हो इन धर ने कि आजादी अलख जगाई घर घर में चापे सी खुशाल भुजा पर भार लियो मरदारे मर्दी करर मैन सन मार लियो कि मरदारे मर्दी करर मैन सन मार लियो कि गढ़ दरवाजो याज जिकनरी साख भरे आखो हिंदुस्तान थने पर नाम करे कि आखो रे हिंदुस्तान थने पर नाम करे बिड़ियो जद भूपाड़ रोपियो पगरण में नमन करूं सो बार या हुआ धरकण ने नमन करूं रे सो बार या हुआ धरकण ने कि माड़व गुर्जर धाट धरा हाड़ोती में माड़व गुर्जर धाट धरा हाड़ोती में सिरोही जालोर मेर मेवाती में बाटी हाडा गोर कुरम रे पूता में उदर कुंपा जैत कमा करनोता में उदर कुंपा जैत कमा करनोता में कि मन में राख गमंड भलाई पोमावे अर्चा पावाड़ी चाल एक में नहीं आवे कि चा परवाड़ी चाल एक में नहीं आवे दे डूंगर दिन बाद चिकारी जामन ने नमन करूं सो बार या हुआ धरकण ने नमन करूं रे सो बार या हुआ धरकण ने बतड़ा योड़ा बाग गजब का ढाला ने निर्भय काला नाग मर्द मतवाला ने नमन करूं सो बार अजब अवधूती ने नमन करूं सो बार सुगढ़ सपूती ने नमन करूं सो बार मर्द मजबूती ने नमन करूं सो बार रंग रजपूती ने नमन करूं रे सो बार रंग रजपूती ने नमन करूं सो बार धरारा कण कण ने आजादी हित लड़िया मर्या बांझण जन ने आजादी
आदि हित लड़िया मरिया मां जन जन ने नमन करूं सो बार अबुआ धरकन ने नमन करूं हित देश लड़िया मां जन जन ने नमन करूं सो बार देश हित जन जन ने। बहुत बहुत आभार आदरणीय जेके चरण साहब। महाकवि डोंगरदान जी आसियावाड़ाऊ की रचना आपने प्रस्तुत की मीठे कंठ में। आदरणीय जेके चरण साहब की जिस तरह की प्रस्तुति है, मैं उनके प्रति कृतज्ञता जाहिर करता हूं और बधाइयां देता हूं। 1643 विक्रम संवत की यह घटना है और उस घटना ने किस तरह से एक समाज विशेष के लोगों को सामने आने के लिए मजबूर किया, पूरी कविता में उस घटना को आपने सुना। मैं पहले भी आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इस कवि सम्मेलन में जब आप रचना सुनते हैं तो कवियों का वर्णन वैविध्य देखें, उनका शब्द चयन देखें, भाषा पर उनकी पकड़ देखें। विषय तो वही है, इसलिए वो एक ही विषय आना है, उसी विषय की प्रस्तुति बार बार होनी है, लेकिन कवियों की प्रस्तुति देखें, उनका शब्द संयोजन देखें, रचना कैसे बनाई है इसको देखें। मैं अगले काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं, जिस काव्य कलरव व्हाट्सएप समूह की अगुवाई में ये कार्यक्रम हो रहा है, उसके नियामक डिंगल के प्रकांड विद्वान मनमोजी स्वभाव के धनी आदरणीय मोहन सिंह जी रत्नू साहब को वो अपना काव्य पाठ से आज के इस कार्यक्रम को ऊंचाइयां प्रदान करें। उनके लिए उन्हीं का एक दोहा है कि मोहन रहियो मुलक में बिल्कुल क्लीन अबोट, छंद घना ही छापिया पर नहीं छापिया नोट। इस तरह की एक विलक्षण प्रतिभा के धनी आदरणीय मोहन सिंह जी रत्नू। जय माता जी की। ब्रह्म मोहन सिंह रत्नू और काव्य कलरव की श्रृंखला में आपको आपके सामने पेश है एक मेरा गीत स्वरचित दिन दिन धरती गीत। रहे सुखाड़ रहे रुखाड़ी रात दिन महा सुगाड़ी मात उबलशाली औ वसुधा में विकियात समत 40-23-17-20 सदी में पढ़ियो दुष्ट भूप सुम गजब पालो आपियो उदय सिंह हुकम उन्धी मती अरचारण नौ छोड़ ने देश चालो हुआ श्रवर्ण रा हुकम सुन एक टा तो हमें माँ भगवती सुने हे लो तो चौं बाबा तो वीर गोपाल हंस चौनण भीड़ में गिट भी और रहो भेड़ो हुकम अन्याय अर विदूषण है गड़ी जिन भगत मानणो तो दीद जागा खाई प्रतमाड़ गड़ खून दत गड़ किया और ताक मोंडिया खेल तागा दिनो गोपाल प्रण पाल गडरो धनी शकवियो राखिया बोल सांचा दुष्ट उदय गयो दिशता दृढ़ में और पातमो पाविया गम पाचा ओत ओंकारी या चित्र ओंकार सी और ओत ओंकारी या चित्र ओंकार सी चा चरण सुज श्री बेल चा डी देख तो पौन ही दोत अंगुली दबे रफबे गण फूट री फूल बाढ़ी गांड भिंगण रो अपर बड़ गालण और धर्म पत हालण दे धामो आज अड़िखम निकलंग गड़ आव वो और चारण चाव वो घणो चाव दिन आवेरी धरा गौम गढ़ गौरवशाली दिन आवेरी धरा निडरपण ख्याल निराली दिन आवेरी धरा पागती जनपद पाली और दिन आवेरी धरा बिराजे बीस बुजाड़ी आन मान समान में बाट बड़े रो री बुओ कवि मोहन घणो अंजस करे दिन दिन धरती अवो अवे की धरती में जितना भी सैकड़ों ने तो बलिदान हुए और उन सभी को सतत वंदन सतत प्रणाम। आप सभी लोग जो पधारे हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। जय हिंद जय भारत। सादर आभार आदरणीय मोहन सिंह साहब। आपका छंद अपने आप में विलक्षण, मैं पुनः आपको बधाई देता हूं और आमंत्रित करता हूं हमारी परंपराओं के प्रबल पोषक आज के इस वर्चुअल कवि सम्मेलन के मुख्य अतिथि और हम सब के अग्रज पूर्व सांसद राज्यसभा और राजस्थान धरोहर संरक्षण और प्रोन्नति प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष परम सम्माननीय आदरणीय ओंकार सिंह शाह लखावत को वे इस आहुआ घटना इस सत्याग्रह जिन पर आदरणीय लखावत साहब की अभी एक पुस्तक आई है संसार का शिरवौर
आहुआ का धरना, संसार का शर्म और सत्याग्रह आहुआ का धरना, इस पुस्तक का भी विमोचन हुआ। इसके संपादन में भी माननीय लखाव साहब ने खूब मेहनत की है और खूब सारे पेनोरेमा बनाने में लखाव साहब का योगदान हमारी राजस्थान की भाषा साहित्य संस्कृति के प्रति कितना है इसको हम सब जानते हैं। मैं आग्रह करूंगा परम सम्माननीय ओंकार सिंह सा लखावत से अपने उद्बोधन से लाभान्वित करावे। माननीय लखावत साहब, आज के इस कवि सम्मेलन के संयोजक श्रीमान गजादान जी साहब, श्रीमान मोहन सिंह जी रत्नू साहब और उनके सारे साथी कवि वृंद, मनोज जी मिशन और आउवा के ऊपर अपनी कविता लिखने वाले और उसका पाठ करने वाले सभी सम्मानीय कवि बंधुओं और बहनों, आउवा का धरना एक इतिहास में इस प्रकार का धरना है कि जो दुनिया में इस प्रकार की कोई सानी नहीं है। और इसलिए कहते हैं कि जब हमने दुनिया के अन्य जितने भी अहिंसक सत्याग्रह हुए उन सत्याग्रहों का तुलनात्मक अध्ययन किया तो तुलनात्मक अध्ययन से यह लगा कि यह एक मात्र ऐसा धरना था कि जिसमें सामने वाले को किसी प्रकार का क्षति पहुंचाए बिना लगभग 185 तो संख्या उसमें गीतों में मिलती है पर संख्या उससे भी ज्यादा है उन्होंने कटार खा करके अपना प्राणोत्सर्ग किया। बात केवल इतनी थी कि एक जो चारणों को कवियों को जो गांव दिए जाते थे राजा के द्वारा वो सांसण के गांव होते थे, उसमें एक शर्त होती थी कि इसको कोई वो राजा, राजा की संतानें और उसकी पीढ़ियां कभी भी उसको लौटेगी नहीं, उसको वापस नहीं करेगी और करेगी तो फिर हिंदू को गाय की जो सौगंध दी जाती है, गाय हत्या का जो पाप लगता है उसकी, और जो तुर्क मुसलमान है उसके लिए सूअर की कसम, यह देख करके ये शर्त उसके साथ होती थी कि मैं और मेरी पीढ़ियां इस वचन से को हम भंग नहीं करेंगे। परंतु जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह जी ने एक छोटी सी घटना को लेकर गोविंद बोक्सा जी को यदि वो दंडित कर सकते थे परंतु उनको गांव जब्त करने का अधिकार नहीं था, उन्होंने गांव जब्त करने का आदेश कर दिया। उसके बाद जो चारण समझाने के लिए गए कि ये गलत आदेश हुआ तो उनके गांव को जब्त कर लिया, कुछ राजपूत ठिकाने थे वो लोग गए समझाने की आदेश गलत है तो उन्होंने कहा आप भी छोड़ के जा सकते हैं। और फिर चारणों ने विक्रम संवत 1643 में सत्याग्रह करने का धरने करने नहीं किया, परंतु उन्होंने श्रद्धा क्या निकाल दी कि मारवाड़ में कहीं पर भी चारण धरना नहीं दे सकते, जहां जिस क्षेत्र में धरना देंगे वहां के जो जागीर है वहां के जो ठिकाने हैं उसको जब्त कर लिया जाएगा। इसलिए हमको किसी ने अनुमति नहीं दी। परौवा के और पाली के जागीरदार गोपालदास जी चंपावत ने कहा कि एक तो आप अन्याय कर रहे हैं, वो मारवाड़ के प्रधानमंत्री थे और फिर आप इनको धरना नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि धरना मेरे यहाँ आउवा में होगा और सारे चारणों को इसकी अनुमति दी। अपने आठों लड़कों को आउवा के चारों तरफ अपनी सेना के साथ खड़ा किया, राजा के द्वारा भेजी गई सेना और इसमें विघ्न डालने वाले जो लोग आए उनका प्रतिरोध किया और चारणों का धरना आउवा में विक्रम संवत 1643 को चैत की पूर्णिमा को संपन्न हुआ। और धरने का प्रकार यह था कि वहां पर स्तुति होती थी, स्तुति के बाद में एक प्रसाद होता था कामेश्वर महादेव के मंदिर पर और फिर एक कटारी लेकर के उस कटार से अपने जो अंग होते थे शरीर के नीचे से पांव के अंगूठे से लेकर गले तक उससे काट करके और अपना प्राणोत्सर्ग कर देते, अपने खून को वहां पर डाल करके और अपना उसका धरने को एक पूरा रूप देकर उसको स्वरूप देकर और धरने को पूरा करने का काम करते थे। गोविंद दमामी जी ने खुद ने कटार खा ली, उसके बाद और अखाजी बारट समझाने आए पर खुद ही समझ गए और उसके बाद उन्होंने कटार खाई और उनका प्राणोत्सर्ग इसके अंदर हुआ, वो इसमें वीर गति को प्राप्त हुए। दुर्सा आढ़ा जी उसके अंदर थे, जग्गा जी खिड़िया इसमें थे। अरे जग्गा जी खिड़िया तो शादी करके आए थे और शादी करके आए और उसी दिन कांकर डोलने भी नहीं खुले और उनकी पत्नी ने बहुत वीरता के साथ शौर्य के साथ और उन्होंने उनको धरने पर भेजा। उस पर अभी छेल प्रिया हरिप्रिया जी ने उस पर भी गीत लिखा है। पर मैं आपसे कह रहा हूं कि जितने चारण कवियों ने अपनी कविता लिखी, लक्ष्मण दास जी से लेकर गिरधरदास जी रत्नू तक और अशोक चारण जी से लेकर के और सिद्धार्थ देवल तक और मोहन सिंह जी से लेकर के और घनश्याम जी किनिया तक, मैं सब नाम लूंगा तो इसमें समय लगेगा, परंतु सारे कवि बंधुओं का मैं बहुत आभारी हूँ जिन्होंने अपनी कलम आहुआ के धरने पर चलाई और आज इस कवि सम्मेलन के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से आहुआ के धरने के महत्व को लोगों तक पहुंचाने का, आम जन तक पहुंचाने का एक शुभ कार्य कर रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। गणमान आभार परम सम्मान्य लखावत साहब, आपके प्रति हृदय की अतल गहराइयों से कृतज्ञता जाहिर करता हूं। आपसे पुनः पुनः प्रेरणा मिलती है, हर बार प्रेरणा मिलती है
और आपकी ऊर्जा को देख करके, आपके सतत स्वाध्याय को देख करके, आपकी परिश्रमशीलता को देख करके हम सब प्रेरित होते हैं। माँ भगवती आपके स्वास्थ्य को बनाए रखे, हमको आप हम सबको आपका सानिध्य मिलता रहे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। पुनः आपके प्रति आभार मैं आग्रह करूँगा। अगले काव्य पाठ के लिए ऐसे एक रचनाकार को जिन्होंने 20,000 के लगभग छंद अब तक सृजित किए हैं, अलग अलग जाति के छंदों में, डिंगल और पिंगल के बहुत से कोई कम ही छंद बचे होंगे जिनको उन्होंने नहीं लिखा है, अलग अलग घटनाओं पे, अलग अलग विषयों पर अलग अलग छंदों में वर्णन करने वाले और उसी उम्दा अंदाज में प्रस्तुति देने वाले आदरणीय भंवरदानसा मधुकर माडवा जैसलमेर से हमारे बीच है। मैं आग्रह करूंगा परम सम्माननीय भंवरदानसा मधुकर माडवा अपने काव्य पाठ से हम सबको लाभान्वित करावे। परम सम्माननीय मधुकर सर। जय मां करणी। मैं कवि भंवरदान माडवा मधुकर आदा आपके सामने अहुआ में आहुति शीर्षक रूपी एक काव्य गीत सुपुकरा पेश कर रहा हूं। मैं काव्य कदर्व के एडमिन श्री मोहन सारथनो एवं संचालक श्री गजाधन शाह का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने मुझे इस विशाल कवि सम्मेलन में आमंत्रित किया और मुझे हमारे समाज के महान अग्रणी समाज रत्न अध्यक्ष श्री सी पी देवल साहब, श्री लखावत साहब, श्री सी पी देवल साहब आदि महानुभावों की अध्यक्षता में एक विश्व स्तरीय वर्चुअल काव्य गोष्ठी में अनेक विद्वानों से रूबरू होने का मुझे भी सौभाग्य मिला। इसी बाबत सभी का साधुवाद। जय मां करणी। तो मैं आपके सामने ये एक गीत शुभग्रह पेश कर रहा हूं। के आहुए ऊपर आया जन रणवादी या पग रोप ओ जीवन लाखों झाड़ी या कमंद हज ऊपर कोप आहुए ऊपर आया जन रणवादी या पग रोप जीवन लाखों झाड़ी या कमंद हज ऊपर कोप। तो आहुआ पे ये एक बहुत बड़ा शहादत हुई है चार समाज की, जिसको लाखा जम्मत के नाम से जाना जाता है। तो किस प्रकार से मेरे कौन कौन थे उसका मैं आगे थोड़ा थोड़ा आपको भावार्थ भी बताऊंगा ताकि समझ में आएगा। गीत जाति सुप करो। कमंद तो धाण द्रप कलंक की कबूत कूद काट देश बाद कदी पौथु बानी कोम भरण री बातों विचार लाखों नी जम्मा डबाद धन जाति धन काद धार मची धोम चले जोश आकारी ठोचार नौके पौच डाज बकारे बरण आज्ञा पाडू वाशु बेग मारो मारो धरो काद तागो करो महागण ताश में धर्म का नताश में धर्म लाज करो धिली तेग। तो ये जो है जोधपुर महाराजा उदय सिंह जी के ऊपर ये तागा हुआ था। उन्होंने एक किसी चारण की मामूली गलती पे कोप किया और पूरे चारण समाज को मारवाड़ से बहिष्कृत कर दिया। तो चंपावत जो राजपूत थे उन्होंने थोड़ी मदद की और उसी कारण से जो है ये तो लाखा जमर के नाम से ये जाना जाता है, लेकिन इतनी जनहानि तो नहीं हुई, फिर भी बहुत बड़ा इसको तागा कह सकते हैं। फिर उसमें कौन कौन थे साथ में के अखो अन्न मोड दुथी डारण दुर सो आटो आहुवे जज मांड हली ब्रण पाली आज गोविंद प्रघाली घाली ढोली प्रत पाली गोली खत अणी याली गले पेली समो खाई। सबसे पहले जो भगवान दुसो जी आडो और अखो जी बारहट थे और इन्होंने आहुए में आकर के सभी समाज को इकट्ठा किया और सुबह जो कई दिन तक तो वहाँ धरना रहा और बाद में जो है प्राणों का उपकरण करने के लिए कई सतियाँ भी हुई हमारी माताएं बहनें। और सुबह जो है ज्यों ही सूर्य के निकलते ही उस जो गोविंद करके एक ढोली थे हमारे बड़े नेक मानव थे, उनको कहा कि भाई तुम जैसे ही ढोल बजाओगे हम सब अपनी कटारियाँ खाएंगे। तो उसने सोचा कि मैं जिस घर का अन्न खाया है वो मैं अगर ये ढोल बजाऊंगा और वो सब अपने प्राणों का अवसर करेंगे, इससे अच्छा मैं ही मेरे प्राण त्याग देता हूँ। इसलिए उसने पहले कटारी खाई। उसका बड़ा जो है समाज एहसान मानता है ढोली परिवार का। आज भी गोविंद पोता अपने यहाँ आते हैं चांद समाज में। क्या धन्य तोरी मात पिता स्वामी भक्ति कर्म धन्य बालक अब भूले जाती जुगो पे भविष्य अवर जो आधार चौपावत उपकार कार छत्री लक्ष धार सार सर्वेश। तो एक तो वो जो गोविंद पोते थे उनका पूर्वज गोविंद जी का ढोली का बड़ा एहसान है चारण जाति पे, और दूसरा जो है चौपावत, चौपावत श्रद्धा हमने बड़ी मदद की, उनका बहुत बड़ा उपकार है। उन्होंने राज की जो को धमकी की कोई परवाह नहीं की और चारणों के साथ रहे,
बड़ा बड़ा आभार उनका। तो क्या हुआ कहे हुब काला काहुत पंड चोट धुंध धली रथ रोक खड़ा रवि राज कुंपे रोम श्वास ने सहिल ने सपुत्र ने बिंद ने सके हर हर मव अंग कर रही होम। तो 35 रोहड़ पुत हालिया पहले पयाण शीश संग बीस संग संग नग कुगा दाय वीर चह क्या देव नच हु खेड़िया 40 चार नव आढ़ाने राताल नाय रक्त नीर अनेक चरण आगे में काम आए जमर में। 35 रोहड़ पुत हाली या पे ले पयाण 35 रोहड़ी रोहड़ भारत थे और 20 जो है शंधु जाता जाति के चरण थे। चह क्या देवल चहु खेड़ी या चाड़ी से चार नव आढ़ा ताल नाय रक्त नीर और देवल जाति के चार महापुरुष थे और खिड़िया के खिड़िया जाति के 44 सबसे ज्यादा खिड़िया चरण थे। इस ताके में काम आए रतन सतर राज मोद थाजे राम राम साबड़ा सोड़े लाल संग महासूर देवी दास डारण में खट दून डाढ़ा देता पात पोत प्राजड़ा आशिया अंगपुर। तो बिठू जिन वारद हर बिननी तजो विचार ते लिया करण त्यार घूम खाग तोल जवान जो धार भड़ जमार लियो जचार इध को सगड़ा काम कियो वा अतोल। तो उन वक्त एक बिठू साखार बारट जो युवा तो और वो आप रहे ससुराल जाओ तो आपरी भारिया न तेड़ो पर वो कैंसल कर और उन तागे मो आपरी आहुति दीनी कोई रो सबसे बड़ो योगदान रहे हो। के बिठू जन वार धार बीनणी तजो विचार ते लिया करण त्यार धोम खाग तोल जवान जो धार भड़ जमर लियो जचार इध को सगड़ा काम कियो वा अतुल। बाप बेटो गाढ़ण दो शबाशी बकार बुगा हुगा महावीर या की पुगी या हरुल गले खाई कटारी वो फीफर दिया फकाय महा आकारी ठिजारो माप न को मोल। दो गाढ़ण जाती रहता बाप बेटो वो भी इन शहादत में कौम आया। दो त्रह क्या मिश्रण तीन सात भड़ संडा जत ब्रशडा बब के दो ये चढ़िया उन बीज इडग मेहडू भाण एक भादु मिल्यो वाण रीस बोग सौ मंडाण रंग धारो रीज। और एक जाति की जो जो थे उनकी इसमें मैंने दिया है। जम्मा जी खिड़ो सजोर जके कियो दूनो जोर उठ्या बन सूर सोदो अंताड़ा अधीर कोलरो बंडो थंबाड़ किनी ये न चढ़ियो काल बंडियो बेखाखाल दिन दूजाड़ मावीर। तो वो कैसा दृश्य बनाया है उसका एक लटानुप्रास का भी है कि अनुप्रास से थोड़ा ये शुभकरा गीत अच्छा बनता है इसलिए मैंने थोड़ी कोशिश की है। के हक बाक धुगा थम्बा हक बाक धुधाक त्रम्बाक धाक हो हल्लाक भूचाक कंपाक लच काक शेष भार डम्बरू बजाक डाक भूताक उभा डराक कटाक भटाक बाक काली गिल कार टाल विकराल ठाल मुंड माल लेत्र काल प्राल निचराल भाल पहुमी प्रकाश झाल जंग बाल गाल या काल झिकाल धाक सती या पखाल पाव उमा के शबाश। तो ऐसे दृश्य पे वहां पे महादेव जी भी पधारे माँ उमा भी पधारी अनेक भयंकर काली ने अपना आटाश किया भूत भूमि जो भी युद्ध भूमि में होते वैसा ही दृश्य था। यहाँ पे भी उस जुमर में जो आए माँ उमा ने जो है स्वासिनियों को आशीष दी चारणियों को और भगवान शिव ने जो है अपने जो महान सूरवीर जो चरण थे जिन्होंने अपने प्राणों का अवसर किया उनकी मुंडमाला बनाई। तो सत्यो सुरग पुगे सुराने का है स्नेह अपसर खमा खमा मुख बोल सतियो सरग पुगे सुराने कर स्नेह बादे अपसर खमा खमा मुख बोल पद मणे किते राजपूतों कहे प्रमोद अहो धन चारण मो बदते मोल। तो जो सतिया मां सुरवी सिदाई तो वहां पे जो अप्सराओं ने उनका स्वागत किया स्वर्गलोक में और वो पहले से भी वहां सतिया बैठी थी पद्मिणी जी जैसी जो जोर करके गई थी उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा कि अहो धन्य चारण मो बधते अमोल कि भाई जानिए सतिया आप तो हमारे से भी बहुत ज्यादा क्यों हमने तो अपनी इज्जत बचाने के लिए ऐसा जो है सतीत्व की रक्षा करने के लिए जमर किया था लेकिन आपने तो अपना केवल स्वाभिमान के लिए धन्य हुआ चारण जाति। गपू गे चारण जेते बियाने पमाने पथ मोटे छत्रपति जूने करे जय जय मात मरुपति माथे रीछ पुरुषों आजी मरोट घली दुख के पौन मृत नप नृप अंग बलि घात कमन धज उदे पायो पापरो अघोर कुंड अंध कूप पड़ियो भूप करे अरदास भूत राज पायो पृथ्वी पाथू शासन पाया दुनी पर रहे सदा हुई पातो दास। तो चारण जो है सब जो है वहां जाकर के अलग अलग लोक में गए कसरग लोक अंदर के बन गए के सलाहकार जिम्मे के जूनी भावी नरेश और उजास के ब्रह्म लोक विष्णु शिव के कैलाश लोक कुगे के चंद्र सूर मंडल प्रकाश।
और शक्ति यशुहागणी जो बैठी जहां बैठे सब भूडली मातावा ढली भूडले बेतान कुमारी कुमारी बालिका मिल बितावण बालिका न स्मरण कर चाली सती के सुतान धन धन चारण जो पालो धर्म रंग धना मोद जाति जिहान बधायो अतिमान माडव सुको भी जान बीठू वो मरदान शाही दान मोसु जान करत बखान के वरण बधारण मान करण एण तागा किया जाति चरण दान धरण हिकण मधुकरा वरण बधारण मान करण एण तागा किया जाति चरण दान धरण हिकण मधुकरा। जय मां करणी। बहुत बहुत आभार गोवर्धन सर। उर्दू के शायर का एक शेर है कि दलीलें हुज्जतें करना तो केवल वक्त खोना है, कसौटी खुद बताती है कि पीतल है या सोना है। आपका ये अभ्यास, आपका रियाज, किस तरह से आप रचनाएं इस उम्र में इतने औज के साथ में आप रचनाएं पढ़ते हैं, मैं आपके प्रति कृतज्ञता जाहिर करता हूं। और अगले काव्य पाठ के लिए एक युवा व्यक्तित्व को आमंत्रित करता हूं जो राजस्थानी, आधुनिक राजस्थानी के मंचीय कविता में अपना अलग मुकाम बनाने की ओर अग्रसर है। शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षक है, प्रहलाद सिंह जी झोलड़ा। एक बहुत उम्दा वाणी के धनी है, मीठे कंठ के आदरणीय प्रहलाद सिंह जी झोलड़ा। मारवाड़ में मारवाड़ रे प्रताप रावचंद्र सेन रो शासन, मुगला रे सहयोग सुन मोटा राजा उदय सिंह सत्ता पर कब्जो कर लेवे, पण राजस्थान रो स्वाभिमानी चारण समाज रावचंद्र सेन री हुंस बदावतो रेवे, जिन रो परिणाम जको है वो दुनिया रे पहले सत्याग्रह रूप में आपने सामी आवे। गीत निवेदन करू के देश भगत चारण कुलरी, देश भगत चारण कुलरी, पीढ़ियारो नेम निभावण ने गो मांडलियो मरणो धरणो मा सतरो मान बचावण ने, सतरो मान बचावण ने। के मारवाड़ में जद प्रतापी चंद्रसेन रो शासन हो, अरे मारवाड़ में जद प्रतापी चंद्रसेन रो शासन हो, उनरे सामी कायर मुगला रो डो लगियो सिंहासन हो। के डर तोड़ो चाल चली अकबर, भाई भिड़ आया बाथा में घर, मारवाड़ री सत्ता गागी उदय सिंह रे गाथा में, अरे मारवाड़ री सत्ता आई उदय सिंह रे गाथा में। के सफल हुयो अकबर अब तो राठौड़ी मान मिटावण ने हो, मांड लियो मरणो धरणो वास सतरो मान बचावण ने, सतरो मान बचावण ने। अब देखो के सत मार्ग रासा की चारण, सतरो मार्ग कद छोड़े हा, सत मार्ग रासा की चारण, सतरो मार्ग कद छोड़े हा। सब उदय सिंह ने भूंडरिया चांदे रे सागे दौड़ेगा, आ देख उदय लालच दीनो, आ देख उदे लालच दीनो, बाजी रिपियासु तोल करूं सागेगा वो, जे मारे तो कविता रो मुंगो मोल करूं सागेगा वो, जे मारे तो कविता रो मुंगो मोल करूं। चारण बोलिया मैं तो जावा चांदेरी हुस बधावण ने हो, मांड लियो मरणो धरणो बा सतरो मान बचावण ने, सतरो मान बचावण ने। आ बात पची कोनी अकबर रो दास उदेरी सांबलियो, आ बात पची कोनी अकबर रो दास उदेरी सांबलियो, वो रातो रात रवाना हुई जांजर के अकबर सू मिलियो, सत्तारे मद में चूर हुयो भूलियो कवि कुल रो गुण भारी, या तो ही जागी राजबती कर बा फरमान कियो जारी रे, तो ही जागी राजबती कर बा फरमान कियो जारी। के समझाया नी समझो मूरख अड़ग्यो कुल दाग लगावण ने हो, मांड लियो मरणो धरणो बा सतरो मान बचावण ने। के देश भगत चारण कुलरी पीढ़ियारो नेम निभावण ने हो, मांड लियो मरणो धरणो बा सतरो मान बचावण ने, सतरो मान बचावण ने।
के सत्याग्रह रा अनुयायी सब चारण धरने रो मन करियो। अब स्थिति काई बने के सत्याग्रह रा अनुयायी सब चारण धरने रो मन करियो जाग्या देवण ने। पर देखो स्थिति बड़ी विकट है, चारण धरनो देवन वास्ते जावे पर धरने वास्ते जगह मारवाड़ में जगह पर नहीं मिल रही है। सत्याग्रह रा अनुयायी सब चारण धरने रो मन करियो जाग्या देवन ने डर तोड़ा रजपूत हुंकारो नी भरियो। जद हुया रवाना कवि राजा सब मारवाड़ सु जावण ने गोपाल दास चांपावत आयो आवे मेरो कावण ने। गोपाल दास चांपावत आयो आवे मेरो कावण ने। बोल्यो जाग्या मैं देऊला बोल्यो जाग्या मैं देऊला रजवटरी साख रखावण ने। गो मांडलियो मरनो धरनो वा सतरो मान बचावण ने। गोपाल दास चांपावत काई केवे के ई मान जोग चारण कुल ने रजपूत पूजता आया है। ई मान जोग चारण कुल ने रजपूत पूजता आया है। आ भूल गियो उदो की कर क्यों बाग बुआली खाया है। तै निर्भय हुई धरणो देवो है वचन खरा चांपावत रा। पोरो देवेला आठ पूत सुत पोरो देवेला आठ पूत सुर मारा अबे बगावत रा। मारा मर जा स्या बात सटे मारा मर जा स्या था खातर पीढ़ारी प्रीत रखावण ने। गो मांडलियो मरनो धरनो वा सतरो मान बचावण ने। के बाजी सब धरने बैठ गया बाजी सब धरने बैठ गया कवि दुर्सेरी अगवाणी में। जद दिवस बीत गया तीन नहीं की दिख्यो आनी जानी में। तो निर्णय लीनो जांजर के गोविंदो ढोल बजावेला। उन बेड़िया एके सागे सब चारण बलिदान दिरावेला। उन बेड़िया एके सागे सब चारण बलिदान दिरावेला। जांझर के डोली गोविंदो करी पेल कटारी खावण ने। गो मांडलियो मरनो धरनो वा सतरो मान बचावण ने। अंतिम पंक्ति निवेदन करूं गीतरी के आ देख हर किया कवि राजा आ देख हर किया कवि राजा तागे पर तागो करबाने। कट्टार उठा सब चाल पड़िया एक दूजे पहली मरबाने। कट्टार उठा सब चाल पड़िया एक दूजे पहली मरबाने। पल भर में नालो लो हीरो सूरज रे मुंडे पड़के हो सतवादी घना सपूतारो अंजस आंसू बन ढलके हो। सतवादी घना सपूतारो अंजस आंसू बन ढलके हो। चारों दिस जय जयकार हुई ओ मरण त्योहार मनावण ने। गो मांडलियो मरनो धरनो वा सतरो मान बचावण ने। देश भगत चारण कुलरी पीढ़ियारो नेम निभावण ने। गो मांडलियो मरनो धरनो बा सतरो मान बचावण ने सतरो मान बचावण ने। धन्यवाद। एक ही बात को बार बार सुनते हैं लेकिन कविता की ये ताकत है कि हर कवि अपने तरीके से कहता है। हर एक की अपनी शैली है, अपना सौंदर्य है, अपना तरीका है। प्रहलाद सिंह जी ने अपने तरीके से कही, भंवरदान सा ने अपने तरीके से कही, और जिन विद्वानों ने पहले अपने काव्य पाठ किए उन्होंने अपने तरीके से बात की। मैं प्रहलाद सिंह जी को बहुत बधाई देता हूं और अगले काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्रेणी दानसा देपावत। वरिष्ठ रचनाकार हैं, मंच के श्रेष्ठ रचनाकार हैं, कवि हैं और उदयपुर विराजते हैं। आदरणीय श्रेणी दानसा देपावत देशनो। इतिहास री अमर घटना आवा कोई छिप्योट नहीं है। आवा री घटना पर तीन चार मुक्तक आगे करूं मैं सुना कि अमर हुयो आवो धरने रे कारणे
अमर हुयो आवो धरने रे कारणे मौत आर उपी सामूहिक बारणे अमर हुयो आवो धरने रे कारणे मौत आय उपी सामूहिक बारणे स्वाभिमान रक्षा हित चारण अमर हुया स्वाभिमान रक्षा हित चारण अमर हुया निज कर सूंदी जान कटारी मारने निज कर सूंदी जान कटारी मारने के रजवाड़ा में सदा जो पूजा जाता रजवाड़ा में सदा जो पूजा जाता राजा रे बराबर में ही आसन पाता स्वाभिमान सो जीनो मरणो जाने हा देवी पुत्र वे ही चारण के वाता स्वाभिमान सो जीनो मरणो जाने हा देवी पुत्र वे ही चारण के वाता के स्वाभिमान पर आई आँच न सह नी सक्या स्वाभिमान पर आई आँच न सह नी सक्या मोटे राजा री मोटी मत में बह नी सक्या चांपावत री सह पर आवा आए गया अजी चांपावत री सह पर आवा आए गया जिद में करियो साको जिंदा रह न सक्या जिद में करियो साको जिंदा रह न सक्या आखिरी उत्तर कि कोई उदाहरण नहीं मिले इतिहास में कोई उदाहरण नहीं मिले इतिहास में राणा रे खायो री रोटी घास में स्वाभिमान रक्षा हित रक्त तड़ाई भरी स्वाभिमान रक्षा हित रक्त तड़ाई भरी स्वाभिमानी झंडो आवा आकाश में स्वाभिमानी झंडो आवा आकाश में। बहुत बहुत आभार आदरणीय श्रेणीदान सर। एक तो आपकी वाणी की मधुरता और गायन का अंदाज और उस पर मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाला ये विषय आज का, सभी कुछ अद्भुत। मैं मनोज मिश्रण और आप सभी को सादर जय माता जी की। अचानक से संचालन का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की धृष्टता के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मगर मेरी भी एक मजबूरी है, क्योंकि जितने आकंठ डूब कर आदरणीय गजादान सा आज के कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, तो मुझे डर है कि कहीं वे अचानक से घड़ी देख कर और धन्यवाद नहीं बोल दें। तो इससे पहले बीच में ही मैं आदरणीय गजादान सा को विनम्र आग्रह करूँगा कि वो भी आज के इस महनीय विषय पर अपनी स्वरचित रचना सुनाकर हम सभी को लाभान्वित करें। कविश्रेष्ठ डॉक्टर गजादान चारण शक्ति सूत्र। आभार मनोज सा। आहुआ सत्याग्रहरी साखरो गीत आप सबने निजर करूं, पहली दुहा पछे छंद त्रोटक। गय मारवाड़ धर मायने युदय सिंह यदपत करी अनीति क्रोड विध मधुधारी महपत युदय डूब अहंकार में किया न हूता काम जबत किया युन खल मती गड़ व्यांदा गाम तो राज धर्म रज राली यो लिछ मन रेखा लोप तब मिल कर सब ताक वाकी यो सत्याग्रह कोप। छंद त्रोटक। कर कोप का विषय लान की यो जिम मान ही राज सुजान लियो जब योर न को ये जुपाज रहो कि मलाज रहे कवि राज कहो मर जाद ही पे जब घात पर टकराव न टारत जात डरे मत ही न थी समझे मच के कम देश युदेश बेबात बके जित प्रीतन रयत हूँ तो चहे सब सौंद्र पे कही बात कह युम रावन पे युच के यकड़े समझावन हर ही हर खड़े रिछ पालक बोल ही अरड क्यों कर झाल कवि दुर शोकड़ क्यों कर नल सुनाम युचार कयो जब हाथ सुये कयो धार रयो
नह नीत यनित सुभेद जहां तह प्रीत प्रतीत युमेद कहां कही कौन सुरयत हाल कह जह दंडन हर ही दंड सह धरणो करणो जयधीश यज्ञ महिमालन मानत यौर मग कविराज यब यन सन्न कर कमधेश सुध्यान कदास धर गुण वेद वेदांग यदित गुणो सत संबत विक्रम नाम शुणो पख चानन चेत पुण्यो सखरी हक लेवण पात हुंकार करे मद यंधप माणवी यो मरणो धरु आहुवे थाप दियो धरणो थट रोप त्रिशूल सुथान थप्यो जगदम्ब सुनाम यमाम जप्यो शिव रूप का देश रुनाथ सही वड धाम वणि धरनाथ वही अब नीत अनीत जब ठन्यो गड वाहित ढाल गोपाल भण्यो बगड़ी पत बलराम युदावत राम भिया बगड़ी पत आश उजास किया इन चारण चारण साथ दियो कम धज सुचाल सवाल कियो और काई सवाल करे कमधेश ही यो उपदेश दिए हक नाक प्रजा हित रोष ही ये इतिहास तरणी अखियात यह रजपूत रुचारण न सात रह रजपूत जठ है मग पात रिया प्रण याद दीरावण पात रिया इही कारण चारण पूज विया गुण गुण पूज नृपागज गाम दिया कुल वाट परे मत घात करो कम धेशन एम आघात करो हकदारन को हक छीन किए कहिए किम शासन छीन लिए यह रीत रही इल शासन की अद्भुत युभे अनुशासन की बिहुपख बया सद वाट सदा इतिहास यखी यह थाट सदा महिषासन की मर जाद रखो द्रप राज प्रबंधन याद रखो धर शासन राज प्रशासन को अधिकार नही द्रप यासन का सत बोल का मंधन तौल सक्यो बहु रोष दिखाय नाप बक्यो अपनायत हेत प्रजाल यखी रिछ पालक ना प्रतपाल रखी जिमि रावण बात विभीषण की दुर्जोधन भीषम कृष्ण की मरु देश युदेश करे तिमही नृप मानत रीत सुनीत नहीं भड़ चाप हरोज गोपाल भयो कुल गाम पटात ज रोष की यो सुत गोप सु अष्ट बलिष्ठ घने धर नाथल के रिछ पाल बने हर गाम गली समचार हुया सुन ताकव आवण त्यार हुया जिन बात सुनी घटवीर हुयो दर एक नहीं दिलगीर हुयो जब पात हजार को जोड़ जुटो मरु देश के पेट मरोड़ युठो यख भी सुख भी भूल या उलवाय उदय तट ते वड़ियो समझान मुदय अखवी धरना थल आय गयो कम देश संदेश सुनाय कयो सब पात कह यख भी सुनिए गुण दोष सबे खुद ही गुणिये मर जाद मिटी यरु मान गयो चारण सगला आखी जिन काई कवे के मर जाद मिटी यरु मान गयो भाई लोक हंसी घर आन भयो अब मान बिना इन प्राण न को तन राख करे कहा पात कहो वह रोहड़ रान सुजान बड़ो झट भाप गयो सबड़ो झगड़ो जब बात सुनी उर आग लगी लग गोत की गाल कुटुंब लगी और हक को हक ना कन खोस सके अब अख जी कहीं के देखो के हक को हक ना कन खोस सके महीपाल यु कंठन मोस सके इन राज कुकाज यनीत बढ़ी घर रीत विपरीत सुनीत घटी मद यंध महीपत मानत ना जुग चारण को गुण जानत ना हम राज के दास कहावत है पर नीति कानून बनावत है अखवी इम बोल कही य करी नृप न्याय के कंठ कटार धरी नृप को पख छोड़ रयो धरण मर जाद बचाय चल्यो मरण अब नाय उठे गिण सो धरण दुथी यही की भात नहीं डरणो यब आखिर एक उपाय यही मर के कर ये निज नाम मही कवि यंतस ज्योत प्रदीप्त करे धज बंद धीनो यह ध्यान धरे चिटकी घृत पूर्त चाड़ पढ़े चित चार गुणो जजी हास चढ़े कवि छंद युचार पुकार करे बहु गीत पढ़े जिय जोश भरे क्षण भीन प्रतीति डिगाय डिगे सत याग्रह सिद्ध वयन शिगे गढ़व्या पढ़ गीत सुनाद कियो दिन नोयन कोय प्रसाद लियो दो दिना तक कढ़ई मुंडे मत आखो ही नहीं डालो सगला पुकार है गढ़व्या पढ़ गीत सुनाद कियो दिन दोयन कोय प्रसाद लियो नह और सुनो कह नाद ये सो सुत मात हु बीच संवाद ईशो हर कंठ पुकारत यारत में जिब खेच हरि मह भारत में आय गयो वह आखर में जब मीच नची हुआ धर में कवि चाड करे करनी करनी जग दम्ब सुनो जग की झरनी हिंगला जन मो हिंगला जन मै रख लो बड़ वाली लाज हमें जगदम्ब विलंबन यान रति पत राखण हार देशान पति यल राखी ये दास युवारण को सुर राय मलेच संहारण को
अब सूरज को रथ यग्र बढ़ो कर गोयंद वादक डाक कढ़ो मरणातुर पात हजार लख्यो नह डाक नगार प्रहार सक्यो खुद खाय कटार पढ़ो धरणी जुग जायन जाय भली करणी धड़ को सुन बीदग जान गया पल त्राग तणु पहचान गया मुख नाम सबे सुख धाम लियो तुलसी जल गंग सुझाम लियो एक साथ हजार कटार चली निज गात प्रहार संहार चली कवि खाय कटार दुधार कट्या हक हेतु मिट्या पण नाय हट्या सत भीष दृढ़ी सुर लोक गये सत आग्रह हेतु शहीद भये कछु शेष रया तन घावली यांद्र पशु तकड़ो टकरावली या बहुदेव कृपा दुर सो बची यो नृप को हर ठाड़ जवाब दियो धरणे मर राह दिखाय गया करतब निबाह सिखाय गया कवि मौत प्रसाद सुपाच्य कियो कम देश को नाम अवाच्य कियो कम देश को नाम इतिहास में अवाच्य कर दियो कोई नाम नहीं लेवे उदय सिंह नहीं कहे मोटा राजा कहे और आ घटना क्यों के घटना यह है नहीं गावण की पुनि है नहीं गाल बजावण की यह नीत मृजाद रखावण की मर के निज मान बचावण की निज जात हितारत नेह लखो सुख वीरु चापावत स्नेह लखो निज मान हितु पर मान लखो भड़क जस उजल भाण लखो पुनि प्रेम लखो अहुआ पत को जिन मान रखो सत के मत को यह तीरत सु वड तीरत है अहुआ धर की यह कीरत है अभिव्यक्ति तनो अधिकार रखो यल चारण चारण चार रखो सत नीत पखी संस्कार रखो कविता को यखी सत्कार रखो और कबू रैयत को हक राव कोई नह छीन सके युम राव कोई गर शासन कर आसन भी अतिचार करे प्रज हूस दिखा प्रतिकार करे सबलो मग देय सत्याग्रह को अहिंसा अनुगुंजित याग्रह को मर के हम को यह मंत्र दिया अधिकार अखी अभिमंत्र दिया यह देय संदेश सिधाय गया भूमि जस ज्योत जगाय गया अभिनंदन राज समाज करे गजराज यशावत नाज करे चपे के स्वाभिमान नित सात हाथ रख कलम कटारे और मात भौम हित मात यरप झट कर्ज उतारे जो क्या कदे न चाल ढाल बन धर्म बचायो पातर ताने पाल सुबग मग नीत सुझायो कर प्रतिकार अन्याय को न्याय हेतु निर्भय मरे उन अटल अनूठी यान ने गजादान वंदन करे गजादान वंदन करे बहुत बहुत धन्यवाद। वाह गजादान साहब, शब्द नहीं है आपकी प्रस्तुति की तारीफ के लिए। आपकी ओजपूर्ण अद्भुत वाणी में आज के इस अत्यधिक संवेदनशील विषय को अपनी प्रखरता के साथ दर्शाते इस त्रोटक छंद ने बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर दिया। आपका हार्दिक हार्दिक आभार। अब त्वदीयं वस्तु शक्ति सुतम तुभ्यमेव समर्पये, तो संचालन का कंट्रोल पुनः आपको समर्पित आदरणीय गजादान साहब। आभार मनोज सर। मैं अगले काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। गुजरात में इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना परचम लहराने वाले लेकिन विज्ञान की पढ़ाई के साथ में भाषा और साहित्य की पढ़ाई हमारी राजस्थानी डिंगल और पिंगल की हिंदी में उर्दू में सब में एक साथ लिखने वाले समान अधिकार के साथ लिखने वाले युवा साथी आदरणीय नरपत दानसा वैतालिक, नरपत सा आसिया वैतालिक। सादर जय माता जी की। आहुआ के शहीदों को नमन करते हुए मैं आहुआ के धरने पे मेरी लिखी एक रचना प्रस्तुत करता हूं। मरण त्योहार था धरना, मरण त्योहार था धरना की जीवन सार था धरना की अपनी बात रखने का चरम हथियार था धरना। मुकरना बात सेना, अपनी बात से मुकरते नहीं थे। मुकरना बात सेना, प्राण की परवाह नहीं करना, दो जीवन मूल्य समझा था, परम अधिकार था धरना। किस जुल्मी आतताई औ निरंकुश क्रूर शासक के, कि जुल्मी आतताई औ निरंकुश क्रूर शासक के, डटे रह सामने एकजुट किया वो वार था धरना। डटे रह सामने एकजुट किया वो वार था धरना। दशों दिग्पाल डोले थे और 52 वीर बोले थे, कि हर हर नाद करते वीर का हुंकार था धरना। मरण त्योहार था धरना कि जीवन सार था धरना, कि अपनी बात रखने का चरम अधिकार था धरना। किया उत्सर्ग प्राणों का भी था गोविंद दमामी ने,
किया उत्सर्ग प्राणों का भी था गोविंद मामी ने, निडर वो वीर स्वामी भक्त और जूझार था धरना, निडर वो वीर स्वामी भक्त और जूझार था धरना। बना था आहुआ भागीरथी, वो धरने के टाइम आहुआ जैसे भागीरथ राजा ने भागीरथी को लाया था, तो ऐसे ही हम लोगों के लिए स्थान उपलब्ध करवाने के लिए हम सब आहुआ ठाकुर साहब गोपाल सिंह जी के प्रति ऋणी हैं। तो ये पंक्तियां बया करता हूं। बना था आहुआ भागीरथी गोपाल थे भागीरथ, बना था आहुआ भागीरथी गोपाल थे भागीरथ, कि जिसके यत्न से अपना हुआ उद्धार था धरना, उनके ही प्रयत्न से हमारा ये धरना सफल रहा, कि जिनके यत्न से अपना हुआ उद्धार था धरना, जहां पर प्राण कर आहूत लाशें खुद की पाटी थी, हमने किसी को नहीं मारा, हमने खुद कटार खाई, जहां पर प्राण कर आहूत लाशें खुद की पाटी थी, वो धारा तीर्थ गंगा घाट वो हरिद्वार था धरना, वो धारा तीर्थ गंगा घाट वो हरिद्वार था धरना, गजब का जोश भरता है। आज भी वो बातें सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गजब का जोश भरता है वो अब भी वाकया हमें, गजब का जोश भरता है वो अब भी वाकया हमें, समय बीता है पर लगता नहीं निस्सार था धरना, आज भी वो धरना हमें सार्थक लगता है। उसी ही लीक पर है आज भी धरने सभी कायम, संसार के वर्तमान संसार के जितने भी धरने हैं वो सिर्फ उसी लीक पे आज भी कायम है। उसी ही लीक पर है आज भी धरने सभी कायम, कि जिसकी राह चल हमने किया प्रतिकार था धरना, कि जिसकी राह चल हमने किया प्रतिकार था धरना। सादर जय माता जी। बहुत बहुत आभार आदरणीय नर्मदा सर। मैं अगले काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं, क्योंकि ये कवि सम्मेलन, इसके बीच में किसी तरह से टीका टिप्पणियों की ज्यादा गुंजाइश नहीं रहती है और मैं चाहता भी नहीं, आपको सीधे छंद और गीत सुनवाना चाहता हूं। इसलिए मुझे ये मालूम भी है कि इस कवि सम्मेलन में जो लोग जुड़े हुए हैं वे कविताओं के पारखी हैं, छंद के ज्ञाता हैं, छंद के जानकार लोग हैं। इसलिए आप सुने डिंगल के पिंगल के इन छंदों को, और अगले काव्य पाठ के लिए मेरा आग्रह है गोकुल दांसा खिड़िया मालासी जसवंतगढ़ विराजते हैं, सेवानिवृत्त तहसीलदार हैं, परंपरागत रूप से छंद लिखते हैं। आपका काव्य पाठ आप सारे श्रोताओं को अच्छा लगेगा ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। मेरा आग्रह आदरणीय गोकुल दांसा खिड़िया मालासी। सत्याग्रह शतक के कुछ अंश सादर। तागा जमरा तेलियां आंदोलन अगवाण, चावो धरण चारणा कुल मरजा दाकाण, छंद बेलियो के बरणु धरण सत्याग्रही बाता ख्याता अमाय अमर अखियात, जाता जुगान जावे जय जस पाता धर्म रुखाड़न पात, आदु जात ओपता इहक प्रमाणे श्रुति वेद पुराण, गुण गाहक गढ़पतियां गोढ़े अनव्यय तणी रखावण आण, के जिनरे कुल जनमे जग जननी जोत उजड़ी घर घर जान, परवाड़ा पोहमी पर परतक कीरत तना खड़ा कमठान, रजवाड़ा राजा संग रेणव रण भूमि में देता रंग, बिड़दाता मुंडे सु बद बद खेता हाथ चलाता अखंग, के कायर ने भी कायल करता घायल ने घोड़ा अशवार, जखम आयल रा जखम भूला कर तायल करके राखण त्यार, रण भूमि रण सिंगो बाजा रेणव संग बजाता रीट, सामी छाती सेल सेवता परम वीर ना देता पीठ, के राजा देता मान राख बा हाथी घोड़ा लाख पसाओ, जर जागीर जमी धन दौलत गढ़व्या शासन देता गाँव, के चारण बात करे नित चोड़े धारण चित में ऊंडी धार, सारण कार सदस्य सहयोगी कारण सहन कुटिलाचार, के सतपत चालन यारा साथी गाती हुए न सहवे घात, जबर शीख देण जजबाती राती आंख रखे दिन रात, के रजवट घर रजपूती राखण रेणो रत रिया दिन रेण, जद जद भूप भूल पथ भटक्या सेना ने झट करता शेन, के मरजादा मिन खापण मुजब हरदम हिवड़े प्रण प्रण हेत, चारण वरण धरण रा चेता चूक हरण करवाता चेत, कुबदी छोड़ कूड़ कुटलाई जबरा नहीं लगाता जेज, पिछता वो कर मन में पाछो आदर भावा लेत अंगेज, के तीणु ले कहता है ताकव धर्म छोड़ में खाई धूड़, अब के खमा करो कुड़ अब की फेर कराना कारज कूड़,
पगा पोतिया नागर कहता गढ़व्या थारी काली गाय अण हुंती शू आज बचालो दाखो करां जो थाने दाय के हटकर बात मनाता हितकर राड मेट ने ल्याता रा अड़ियल कड़ियल जे अड़ जाता खाए कटारी करता दा अनुपम और अनोखी बाता हंसता लेता गले कटार स्वाभिमान राखण रे खातर चारण मरण चारण वरण मरण ने त्यार खून जठे चारण रो खिंड तो बा धरती हो जाती बाम खड़कोडी हु सड़ता खाटा नारा कूटता जातो नाम अकबर शरण गयो न अनवी पण हिम्मत रण खिम्मत पाण चारण चंद्र शेण गुण चेता बद तो करता विड़द बखाण खून गजबी अजब अरिदल गंजन भय बंजन सबड़ो भोपाल रेणव संग करत मनरंजन रेत जस अंजन रिचपाल अवनी भूप इह गा ओडम सुखवी करता सुकृत गान दिल्ली पत मन मन में बढ़तो उदल जड़तो लख अपमान क मन में मोटो मोटो राजा मारवाड़ रो महपत मान अकबर रे आधीन अखेट बिदगा मान्यो दोस्त दास दीवान राजमात रे तीर्थ जाता बेल्यो रथ रो बैठो थाक धोरा माए ढूंढता धोरी धनिया तणी जमावे धाक क गढ़वाड़े रो चारण वाड़ो गोविंदारो शासन गाँव खोल्यो बेल बोगसा खूंटे नहीं बतायो नौकर नाम के राड़ो जाए रास्तो रोक्यो नारो पाछो लियो निकाल रानी हाथ टूटता टसकी अड़बड़ रतड़ो हुयो उलाल महपत ने महतारी बोली टूट दुष्टे चारण होया उदंड गड़बड़ करी गोमदो गेरी दीजो जिन ने मोटो दंड अकबर रे आदेशा अड़कर फोरो हुकम करो फरमान आडे कट ही करो खालसा धर चारण री कर पहचान के उदल राव जोत पर अद्भुत जपत करी खोसी जागीर जगत सभा ने ऊंधो जालम पाता तणी सुनी न पीर के ठावा ठावा ठाकर जाकर बोलिया निव चाकर जू बेण करुणा कर जो हे करुणा कर ना कर नृप दिखाया नेण के चारण एको धारण कारण सारण काज करो ऐलान मारण रे हित मैं पतरी में जारण जमरा देशा जान के सत्य अहिंसा रापग साम्या जग में जारी मोटी जान रगत उपण तो लख रग रग में भूपत ने अब होग्यो भाण के राज मद में करियो राजन धरणु फेल करण फरमान तिल भर भोमन दीजो ताको सुन लियो कान खोट ठुकरान के भोपाल रे बैसू भाग्या दुर्बल मनरा ठाकर दौड़ पाली पत न्यावरे पलड़े रणबंको चांपो राठोड़ के चांपावत गोपालो चावो भावो उगतो लागे भाण धरण रे हित देवन धरती ठाकर मन में लीनी ठाण के प्रतपाड़ो गोपाड़ो पाड़ो अडवाड़ो सुत बड़मल आट मूछा वाड़ो इहग रुखाड़ो ठाकर वाड़ो कीना ठाट के अगवाणी में दुर्सो आडो ठाडो कर चांपावत ठाण गोपाड़ो घन गुणरो गाडो आडो आई निभाई आण के थिर थिर सोड़ धरा पर थापी जापी करबा लाग्या जोत होम कुंड में देत आहू त्या भेड़ा होय हिताड़ू भोत के धरणु तोड़न रिंद्र धारी अटपटकी ना भोत उपाव हाथी हे के चिंतवा हाँक्यो दरनी लाग्यो पणियग दाव के धरणु दोय दिना तक दीनो शरणु कामे सर शुभ थान बरणु बात जगत में बदती मरणु ताक्यो राखण मान के चिरजागा चाडाऊ छंदा मात चरण रे शरणे पात माला हाथ कटारी मोछ रेणव कोडा काडी रात के भाणव भाण तणु लख भड़को सांप्रत मोत कर्ण स्वीकार गंगा जल तुलसी दल घटिया तनमन विमल होया तैयार के बीरम जी गोविंदो बंको संको छोड़ सखावण शान डीगे बढ़ चढ़ देवण डंको डंको लीनो ढोल निशान के धनिया ध्यान दमामी धरियो करियो कंठा पार कटार लथपत लोत धरादम धरियो जरियो पीढ़िया जस जो धार के ताकव ताक कटारिया ताणी लाणी कंठा लारो लार मरण महोत्सव मुड़कत मानी दानी सुरगा गया सिदा के लूंठो डिग लाशारू लाग्यो सुंटो सो बेग्यो इकसार बूंटो बूंटो बोलन लाग्यो कूंटो खोलो हे किरदार के संवत सोला सो तैयारी काली पुन्यू महीनू चेत मोटे नृप ने देवत गाड़ी राड़ी धोवा धोवा रेत के कांपी मार वाड़ नो कूंटी मोटे रे सिर मोटो दाग दिल्ली पत घट माची धग बिदगा तनु देख बैराग चापो निजकर चिता चिणाई द्रग गीला दीनो खुद दाग धिन धिन मात तात मांडण ने भला आऊआ थारा भाग आऊवारी धरा अनोखी चोखी शतपथ धर्म पिछाण आजादी ने पाली पोकी सोखी राखड़ स्वाभिमान के भावी गांधी और गोखले भावे आंदोलन सु शीखी आण जिनरे पाण मिली आजादी जुग जुग इड़ पर रेशी जान भावी पीढ़िया द्या भोलावण खासा बातां शीखा खास खरा नगीना लूठी खिमता आखर आखर करे उजास उंकारो लखावत आछो औप्यो सत्याग्रह उद्यान ताको गोकड़ जानर तीर्थ बरबर याद करे बलिदान ताको गोकड़ जानर तीर्थ बरबर याद करे बलिदान जय हो।
बहुत बहुत आभार आदरणीय गोकुलदास साहब, लंबा छंद लेकिन पूरी घटना को जिस रूप में आपने चित्रित किया, पढ़ने वाला विद्यार्थी, विद्वान, सुधी पाठक समझ सकता है कि पूरी घटना किस तरह से घटित हुई और कैसे कैसे आगे बढ़ी। पुनः पुनः आपके प्रति कृतज्ञता जाहिर करता हूं और आग्रह करता हूं, यूके से अपने साथ जुड़ी हुई गुरुकुल में शिक्षक का दायित्व निभाने वाली, वहां पर हिंदी भाषा पढ़ाने वाली अंग्रेजों के बीच में, और हिंदुस्तान की संस्कृति को, भारत की और राजस्थान की संस्कृति को उस यूके की धरती पर सरसता प्रदान करने वाली श्रीमती इंदु जी बारट हमारे बीच हैं। मैं आग्रह करूंगा इंदु जी बारट से अपने उद्बोधन से, अपने विचाराभिव्यक्ति से लाभान्वित करावें श्रीमती इंदु जी बारट। आहुआ के सभी चार सत्याग्रही को मेरा सादर नमन। हमारे राजस्थान के प्रसिद्ध कविगण आज चारण समाज के शूरवीरों द्वारा अन्याय के विरुद्ध कटार खाकर अपने प्राण त्यागने वाले आहुआ के सत्याग्रह के सपूतों को इस कवि सम्मेलन के माध्यम से श्रद्धांजलि सुमन अर्पित कर रहे हैं। आहुआ ये एक ऐसा सत्याग्रह था जिसमें 185 कवियों ने राजा को क्षति न पहुंचाते हुए एक एक करके अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये एक सत्य के लिए संघर्ष था जो इतिहास से ओतप्रोत है। आज भी आहुआ की धरती पर इन वीरों का बखान किया जाता है। ये इतिहास में एक गौरवशाली ऐतिहासिक पन्ना है जिसे हम हर वर्ष उत्सव की भांति मनाते हैं। आज हमारे मंच पर उपस्थित सभी कवियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। सादर आभार इंदु जी, मैं आपको बधाई देता हूं और साधुवाद भी कि आप इतने दूर रहते हुए भी विकास की, प्रगति की, आधुनिकता की इस चकाचौंध में, भौतिक दौड़ में, उसके बीच में भाषा से, साहित्य से, संस्कृति से जुड़ी हुई है, अपनी जड़ों से जुड़ी हुई है, अब वहां रहते हुए भी राजस्थान के गांव से स्नेह करती है और इस कार्यक्रम में जुड़ करके इसके आयोजना में, संयोजना में आपने सहयोग दिया, आपकी पूरी टीम जुड़ी है वहां से। मैं दर्शकों से ये निवेदन करना चाहता हूँ, यूके से, यूएस से हमारे बहुत से मित्र जुड़े हुए हैं, इसलिए उन तमाम के प्रति, उन प्रवासी राजस्थानियों के प्रति, प्रवासी भारतीयों के प्रति मैं कृतज्ञता जाहिर करता हूँ इंदु जी के माध्यम से कि आप लोग इसी तरह से स्नेह भाव बनाए रखें। पुनः धन्यवाद इंदु जी, और आगे काव्य पाठ के लिए मेरा विनम्र निवेदन, हमारे चारण गढ़वी इंटरनेशनल फाउंडेशन के माननीय अध्यक्ष और प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, उत्साही समाज सेवक, परम सम्मान्य भवानी सिंह जी कविया नोक से आग्रह करूंगा कि अपने कविता से, अपने काव्य पाठ से लाभान्वित करावें। आहुआ के इस सत्याग्रह पर, आहुआ तीर्थ की कीरत में आपने गीत लिखा है, मैं आग्रह करूंगा आदरणीय भवानी सिंह सा कविया नोक। आहुआ धनेरे जसरो गीत, 1643 से संवत धरनेरी मन में सब धार, आहुआ में चारण आया कीरत जोग रचावन कार, गोयंद बोक सेरी नह गलती जबत हुई उनरी जागीर, और सोचो जदे करण सत्याग्रह वर्ण चारण रा साचा वीर, मोटे राजा रची खोटमन पूरो बदल दियो परिवेश, मारवार धरनो नह मनसी आय दियो सबने आदेश, अवे जस लैन नु अड़ियो गुण ग्राहक ठाकुर गोपाल, और सुप्या आया आय आठवु सुत सबड़ा लोयन मर्द किधोड़ा लाल, सफल करण धरनारी सोची सब चारण मिल राख्यो शीर, और आडो दुर्सो बन अगवानी तुरत पुगा कामेश्वर तीर, आयो दूत बने ने अखवी बैठ सुनी जद सगड़ी बात, और धरना बीच बैठ सतधारी जहर पखे जूपियो जात, डाको जदे दियो न दमामी व्याकुल गोयंद कियो विचार, और मरसी पात मुलकरा मोटा कर निज पहरे गले कटार, पूरा अंग काट जद पड़िया सब सत्याग्रह हुए शहीद, और धरती ऊपर सिरे ओ धरनो अब जग जागी नई उम्मीद, सफल हुओ आहुआ सत्याग्रह कवि मुआ सब कर कर कोड, और धरती दिठा कई एक धरना हुए ना इन धरनेरी होड, और मरवा पर्व मनायो मोटो जस लिदो बिशोतर जात, और बने गुमर कर सकव भवानी बनी जगत में सुरूढ़ी बात। भवानी सिंह कविया नोक। कवि सम्मेलन और विचार मंथन की इस श्रृंखला में हमने आदरणीय भवानी सिंह सा कविया साहब को सुना, मैं आपके प्रति कृतज्ञता जाहिर करता हूं, आभार ज्ञापित करता हूं, और
मंच की ओर से हमारे अतिथियों में से शिक्षा साहित्य से जुड़े हुए तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर के पूर्व कुलपति प्रोफेसर हाकम दानसा चारण से मैं आग्रह करूंगा अपने उद्बोधन से लाभान्वित करावें। प्रोफेसर हाकम दानसा चारण। सभी को सादर जय माता जी की। चारण समाज के लिए एक पवित्र स्थान हुआ मैं आयोजित इस कवि सम्मेलन में सभी सम्मानीय अतिथियों और कवियों का हार्दिक अभिनंदन। काव्य कलर की ये अहुआ के सत्याग्रह को समर्पित सबके लिए इस एक काव्य संध्या का आयोजन अपने आप में एक समाज को मार्गदर्शन देने वाला बनेगा। अहुआ का सत्याग्रह एक अपने आप में इतिहास है, तो जिस तरह से अपने सत्य के साबित करने के लिए जो अपनी जान को भी दे सकते हैं, इस तरह का उदाहरण चारण समाज ने कई वर्षों पहले प्रस्तुत किया और इस सत्याग्रह की वजह से ये एक अपने आप में अनूठा उदाहरण है कि जब व्यक्ति राजा की हठधर्मिता के सामने उसका बलपूर्वक मुकाबला नहीं कर सकता और तर्क के आधार पर राजा मानने को तैयार न हो, समझने को तैयार न हो, समझ के भी समझना चाहता नहीं हो, ऐसे में भी कुछ रास्ता हो सकता है कि अपनी बात को मनवाया जा सकता है और अपनी बात को मनवाने के लिए अपने आप को ख़त्म किया जा सकता है। ये सर्वोच्च उदाहरण है। ऐसा सबसे पहला उदाहरण चारण समाज ने अपनी बात को मनवाने के लिए अपने आप को ख़त्म करने का अधिकार उनके पास था, उन्होंने इसको किया और साबित किया कि सत्य के लिए आग्रह की सीमा क्या हो सकती है। सीमा ये हो सकती है कि अपनी जान दे सकता है, अपनी जान की कुर्बानी दे सकता है। और इस सत्याग्रह का यही सबसे पहला उदाहरण जो समाज के सामने रखा। आज भी जब सत्याग्रह की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि ये सबसे पहला उदाहरण समाज में चारण समाज ने रखा होगा। ये हमारे लिए चारण समाज के लिए एक तीर्थ स्थान है और इस तीर्थ स्थान को सभी चारणों के और हमारी संपूर्ण जाति और संपूर्ण पीढ़ी को ध्यान में रहे, हमारे आदर्श हमेशा हमको ध्यान में रहे, उन आदर्शों में से एक महत्वपूर्ण आदर्श है अहुआ का सत्याग्रह। और इसी को आदर्श को स्थापित करने के लिए, उसको जागृत करने के लिए और पीढ़ी के मन में हमेशा इसकी याद बनी रहे और हमारा जो गौरव है वो उसकी याद बनी रहे, इसको ध्यान में रखते हुए काव्य कलर ने ये बहुत बड़ा आयोजन किया है। 2 दिन का कवि सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। मैं काव्य कलर को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि काव्य कलर ने अपने आप में हमेशा ही एक नए कार्यक्रम अच्छे कार्यक्रम किए हैं और कार्यक्रम के माध्यम से अपनी उपस्थिति नहीं समाज को उन्होंने प्रेरणा भी दी है। उसी प्रेरणा का ही हिस्सा है कि आज अहुआ के आंदोलन को लेके कवि सम्मेलन किए जा रहे हैं। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के आयोजन जिस तरह के आज वर्चुअल मोड में कर रहे हैं वो फिजिकल मोड में भी करें, लोगों को एक साथ इकट्ठा करके करें, अहुआ में भी करें और अहुआ के सत्याग्रह को ध्यान में रखें और स्थानों पर भी संभव हो सके तो कवि कलर इस तरह के प्रोग्राम करें। आप सब जानते हैं कि जहाँ कोर्ग नहीं पहुँच कोई नहीं पहुँच सकता, वहाँ कवि पहुँचता है। तभी तो कहते हैं जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। और उस इसी सादर आभार हाकम दानसा, आपकी विनम्रता को, आपके स्वजातीय स्नेह को, भाषा और साहित्य से, हम लोगों से, कवियों से जो आपका स्नेह है उसके प्रति मैं कृतज्ञता जाहिर करता हूं। विज्ञान के व्यक्ति, साहित्य और संस्कृति के साथ में आप हमेशा जब जब याद करते हैं, आप पधारते हैं, समय निकालते हैं, पुनः आपके प्रति कृतज्ञता जाहिर करता हूं और आग्रह करता हूं आज के इस संपूर्ण कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष, जिनको सुनना अपने आप में विलक्षण रहता है, जो अपनी कथनी करनी से अक्षरशः राजस्थानी दिखाई देते हैं, बोलते हैं तो राजस्थानी जीते हैं, राजस्थान की परंपरा को, परिवेश को, प्रकृति को, यहाँ की संस्कृति को जिन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से बचाया है,
और बचाने का अथक प्रयास करते हैं परंपराओं के प्रबल पोषक हम सब के अग्रगण्य परम सम्मान्य डॉक्टर आयदान सिंह जी भाटी। परम सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, आदरणीय आयदान सिंह जी भाटी साहब से आग्रह, कृपया अपने उद्बोधन से लाभान्वित करावें और अपनी रचना से भी हमें उसका भी रसास्वादन करावें। आदरणीय आयदान सिंह जी भाटी साहब। अव्यय का धरना और उसमें दी गई शहादतें आज इतिहास का अनमोल पृष्ठ है। यह सब हमको आज जानना चाहिए कि हमारे यहाँ अपने स्वाभिमान और अपने कर्तव्यों के लिए लोगों ने किस तरह अपने प्राण न्योछावर किए हैं। यह कथा चारणों और राजपूतों के आपसी संबंधों की कहानी भी है। इस कहानी में हम देखते हैं कि किस तरह स्वाभिमान के लिए उस वक्त के जीवटधारी लोगों ने अपने प्राण होम दिए थे, लेकिन अन्यायी और अत्याचारी राजा के सामने शीश नहीं झुकाया था। यह वह कालखंड था जब हमारे यहाँ मारवाड़ में चारों तरफ मुगल सल्तनत का राज्य था और जोधपुर के राजा थे उदय सिंह। यह उदय सिंह इतिहास में इस कारण से जाना जाता है कि उसने अपने अहंकार में, अपने अभिमान में, अपनी स्वेच्छाचारिता में किस तरह जो है अपने राजपद का दुरुपयोग किया। राजपद में अंधे होकर इस उदय सिंह ने चारणों की सारी जागीरें जब्त कर ली थी। उस वक्त में जब उसके पास समझाने और बुझाने का भी कोई असर नहीं हुआ, तब आउआ में उन्होंने धरना दिया। और यहाँ यह बात भी महत्वपूर्ण है कि तब राजा के खिलाफ धरने के लिए, जगह देने के लिए भी जो है बड़े बड़े ठाकुर तैयार नहीं थे। तब आउआ के ठाकुर ने अपने यहाँ उनको बुला करके और धरना करने की जगह दी। आउआ इसीलिए आज जो है इतिहास में प्रसिद्ध है। न केवल उन्होंने उस वक्त जो है इस धरने के लिए अपनी सहमति और अपनी जगह दी, बल्कि जब अपने यहाँ जब जब भी संकट आया मारवाड़ के ऊपर, आउआ ने सदैव प्रतिरोध किया। इन सब चीज़ों को हमारे यहाँ कवियों ने, श्रेष्ठ कवियों ने बहुत बहुत बार जो है कहा है, अपनी कविताएं रची है। और जिस वक्त में यहाँ पर आउए के धरने के संदर्भ में मुझे भी कहा गया, तो मैंने एक कविता जो मुझे जैसी भी लगी मैंने जो है लिखी, हिंदी की कविता है, वह सत्याग्रह की एक लपट। वह सत्याग्रह की एक लपट, वह थी अखंड, वह थी प्रचंड, वह ज्वाल वाक की वाणी की, जो सदियों पहले प्रकटी थी विकराल दहाड़ भवानी की, जो सदियों पहले प्रकटी थी विकराल दहाड़ भवानी की। वह सत्याग्रह की एक लपट थी, अहंकार पर चोट प्रकट, घनघोर अंधेरा अन्यायी आँखों ने शर्म बेच खाई। तब अविचल खड़ा आउआ था, सदमार्ग अड़ा आउआ था, तब अविचल खड़ा आउआ था, सदमार्ग अड़ा आउआ था, तमतमा गया था गढ़बंका, तमतमा गया था गढ़बंका। यहाँ गढ़बंका जो है जोधपुर है, पर रहा आउआ रणबंका, अड़ गए उदय सिंह अभिमानी, पर चारण वर्ण रहा मानी,
ललकार सही फिर फुंफकारा, जल उमड़ा देवी सुतसारा, उनकी सांसों में थी सुरसत, आँखों में ममता की मूरत, वाणी वह विमल सदय धारा जिसमें लहराता जग सारा, थी उनकी वाणी में काली राती रणचंडी मतवाली, रजपूती की रक्षक धारा दुश्मन हित वह तक्षक द्वारा, वह आज आऊवे उमड़ी थी कालायन काली घुमड़ी थी, वह उमड़ आऊवे आई थी सिंहासन नींद गमाई थी, वह लपट वाक की वाणी की, वह लपट वाक की वाणी की विफरी विकराल भवानी की, वह सदियों पहले जागी थी जब हुई हुकूमत दागी थी, वह सदियों पहले जागी थी जब हुई हुकूमत दागी थी, इतिहास करवटें लेता है पर हमें सीख भी देता है, पर कब सीखे है अभिमानी वह फिर करता नादानी, पर कब सीखे है अभिमानी वह फिर करता नादानी, 57 समत अलग जगी जब देश प्रेम की लपट जगी, हुंकार आऊवे पुनः उठी विकराल भवानी भवक उठी, तलवार आऊवे नेतानी सहता वह क्यों कर मन मानी, संघर्ष धार में खड़ा रहा तोपों के आगे अड़ा रहा, रजपूती का यह घाट प्रबल स्वातंत्र समर की तीव्र अनल, सीने में धारे है अब भी वह हमें पुकारे है अब भी, वह हमें पुकारे है अब भी। बहुत बहुत आभार आदरणीय भाटी साहब, आपके प्रति मैं कृतज्ञता जाहिर करता हूँ। आप जब जब हम आमंत्रित करते हैं आप पधारते हैं, हर बार आपका आशीर्वाद मिलता है, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, पुनः पुनः कृतज्ञता जब जब भी हम याद करें पधारते रहें, आपका इसी तरह का स्नेह मिलता रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आग्रह करूँगा आज के इस कवि सम्मेलन को हम समापन की ओर चल रहे हैं, आज जिन अतिथि वृंद का हमें आशीर्वाद मिला, सानिध्य मिला, उनके प्रति, जिन कवियों की रचनाएं हमने सुनी उनके प्रति, और जिन श्रोताओं का स्नेह हमें मिला उनके प्रति आभार ज्ञापित करने के लिए charans.org के माननीय मनोज मिश्र साहब से, जो इस पूरे कार्यक्रम के तकनीकी प्रबंधक हैं, जिनकी मेहनत के कारण से और जिनकी लगन के कारण से, जिनके इस पारंगति के कारण से हम किसी भी कार्यक्रम को चलते फिरते हाथ में ले लेते हैं और उसको साफल्यमंडित करने का काम मनोज मिश्र साहब करते हैं। मैं आग्रह करूंगा मनोज मिश्र साहब से कि आज के सभी अतिथियों का, कवियों का, हमारे श्रोता दर्शकों का आभार ज्ञापित करने के लिए मेरा विनम्र निवेदन आदरणीय मनोज मिश्र साहब से। सादर जय माता जी की सा। सर्वप्रथम तो अन्याय के खिलाफ संघर्ष में अपना सर्वस्व होम कर देने वाले आउवा के महान बलिदानी वीरों को एवं उनकी सहायतार्थ अपना सब कुछ दांव पर लगा देने वाले चांपावत महावीरों को मैं सादर नमन करता हूँ। संसार के सिरमौर सत्याग्रह आउवा के इस धरने के समस्त महावीरों को समर्पित इस 2 दिवसीय कवि सम्मेलन के प्रथम दिवस में पधारे आप सभी श्रोतागणों का हार्दिक आभार। आज के हमारे मुख्य अतिथि एवं हम सबकी प्रेरणा के स्रोत आदरणीय श्री ओंकार सिंह जी लखावत साहब का हार्दिक आभार, जिनके सद प्रयासों के कारण आउवा की पावन धरा एक दर्शनीय तीर्थ स्थल में परिवर्तित हो गई। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर हाकमदान साह एवं मातृशक्ति श्रीमती इंदुजी बारेठ का हार्दिक आभार। कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर आयदान सिंह जी भाटी साहब का हार्दिक आभार। आज के कार्यक्रम के समन्वयक यूनिवर्सल एडमिन श्री मोहन सिंह जी रत्नू का हार्दिक आभार एवं आज के कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देने वाले कविगण सर्वश्री भंवरदान जी बिठू, श्रेणीदान साह, भवानी सिंह जी कविया साहब, गोकुलदान साह, जेके चारण साहब, प्रहलाद साह झोरड़ा और नरपत साह वैतालिक का मैं समस्त आयोजन मंडल की ओर से हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूँ। अंत में सबसे प्रमुख आज की समस्त प्रस्तुतियों को एक क्रम देने वाले, उन्हें एक सूत्र में पिरोने वाले अद्भुत ओजपूर्ण वाणी के धनी हमारे सूत्रधार डॉक्टर गजादान चारण शक्ति सूत साहब का हार्दिक आभार। इन 2 दिवसीय कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति कल इसी चैनल पर सायंकाल 8:30 लाइव होगी। कार्यक्रम की रूपरेखा आप तक पहुंच चुकी है, इसे अधिक से अधिक शेयर करें और कल के कार्यक्रम को आप अवश्य ज्वाइन करें। कल का कार्यक्रम भी आज
जैसा ही अद्भुत कार्यक्रम होगा, ये मेरा विश्वास है। और बहुत बड़े बड़े, बहुत नामी, बहुत अच्छे अच्छे कवि कल के कार्यक्रम में भी अपनी प्रस्तुति देंगे। आप सभी का पुनः पुनः हार्दिक आभार, धन्यवाद। जय माता जी।